हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर कौशल किशोर जी हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारी कार्यशाला समन्वयिका जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज की हमारी ज्ञान यात्रा के लिए जो हमारे यज्ञ पुरुष हैं, जो हमारे ज्ञान संवर्धन करने के लिए जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, शुरुआत हुई आज हमारी श्री कृष्ण भगवान की गीता स्थली कुरुक्षेत्र से। उसके बाद हम शिमला गए पहाड़ों की रानी में, जहाँ विष्णु भगवान के दश अवतार में से एक महात्मा बुद्ध की को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम गया की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ से हमारी समन्वयिका जी ने आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कौशल किशोर जी को आमंत्रित किया है। उनका मैं उन्हें हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर कौशल किशोर जी साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में आप प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप वहाँ के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड एंड डीन के पद पर भी पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही साथ आप भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित NRC नेशनल रिसोर्स सेंटर के भी आप कोऑर्डिनेटर समन्वयक हैं। आपके कार्य निर्देशन में 2018 और 2019 में आपके इस केंद्र ने टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में 2 MOOCs संपादित किए हैं, साथ ही साथ उन्हें अच्छे तरीके से जो है संचालित भी किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने विभिन्न कार्यशालाओं में अपने संबोधन उद्बोधनों द्वारा विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार में भी अपना योगदान दिया है। 50 के लगभग आपके रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। इस विश्वविद्यालय से पूर्व भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। आप अपने ज्ञान और अपनी रिसर्च एक्सपीरियंसेस से पिछले लगभग 20 वर्षों से शिक्षा जगत को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने शिक्षण अधिगम केंद्र, अपने विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज रिसर्च वेरिएबल्स। रिसर्च वेरिएबल्स जो हम बात करेंगे एक घंटे हम लोग कुछ उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे देन वी विल डिस्कस वी विल एड्रेस दोज क्वेश्चंस। लेट मी शेयर वन प्रेजेंटेशन विद यू सो दैट वी आई कैन गो अराउंड द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरिएबल्स इन रिसर्च, एंड दिस टॉपिक we will be discussing about 3 major points in this presentation. First we will look into that what are variables, then we will be talking about what are different types of variables and how we should define them in our research. These are the major things which I will be talking about in this coming session. First let's start with what is a variable. Technically defining what is a variable, that a concept that varies, a simple term. Whatever concept we are talking about, whatever attribute we are talking about in our research, whatever is researcher's interest related to the individuals or related to the situations or related to the conditions, and the values are changing, that this change, whatever concept or whatever attribute is changing with the time or changing with the person, I will come into that point also, is variable. So a concept that varies is variable.
And this variation in this concept may be in quantity or intensity or amount or type, etc. For example, if I say that she is a female, he is a male. So this sex identification, which are we commonly confuse with the gender, I'm not talking about the gender, this sex identification regarding to individuals, and this sex identification is changing. It means this sex identification, this sex is a variable, because it is varying. The type is varying here. Another thing might be that that person is of 5'6" height. Another person is 5'8" height. Another person is 6 feet height. The type of attribute or type of concept is not changing. The concept is common. That is variable height here, but its amount is changing. Someone is 5'6" of height. Someone is of six feet of height. This amount is changing. So it is also a variable. So thus, any concept which is changing with persons, or it might be within a person. You notice the third point which I have written here. It may change from group to group, person to person, or within a person over. It means any variable. अभी आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा presentation, उसके लिए परेशान मत होइए. बीच-बीच में मैं वो दिखाता रहूँगा और आता रहेगा जब जरूरत. It means variable is a concept which varies. Or ye jo variation hai, ye group to group mein change ho sakta hai. For example, if you say that nationality, so this is a group of individuals which are Indians. This is a group of individuals which are non-Indians. So this nationality is changing. Since it is changing, so it is a variable. The nationality is a variable here, and it is changing group to group, from a group to another group. So this variation in the value of a variable may be from one group to another group, or maybe from one person to another person. Jaise maine abhi ek example liya that she is a female, he is a male. Within a group, from one person to another person, the value is changing. The type is changing. Sometimes the type might change, sometimes the amount might change, sometimes the quantity might change. It will depend on the situation or the context. Not only from group to another group, not only from one person to another person, but even from within one individual, it may change. For example, right now I might be thinking something else. My attitude is attitude towards say language might be something different. After 2 years, you come to me and you may find that my attitude towards language has changed. So this attitude is a variable here. It is changing within a person from time to time. So any concept which varies from one person to another person, or from one group to another group, or within a person from time to time, is variable. And it may change in time, it may change in amount, it may change in quantity, it may change in intensity. So it is a variable. This is the concept of variable which I was talking about. One more thing about variable, that variable, when we say that it varies. तो अगर ये vary कर रहा है तो पता कैसे चलेगा? ये तभी पता चलेगा ना, जबकि हम एक value, और अगर vary कर रहा है तो इसका मतलब कम से कम दो value होनी चाहिए. At least there should be two values minimum. Then only we can say that it is varying. And if there are at least two values, the difference in values can be understood by only the measurement. It means any variable is measurable. This is another characteristic of variable, that it is a measurable characteristic. I have written one important term here, broadly or minutely. That is a different matter. कि हम कितना finely, कितना refined way में, कितना minutely उसको measure कर पा रहे हैं, ये अलग बात है. Some variables can be measured very minutely. You can measure in points. You can have very fine measurement. Some variables you cannot measure numerically, but you can identify that the values have changed.
That is also a kind of measurement that you call commonly qualitative measurement. That is also, but the point is that whatever thing is there, you can measure it either qualitatively or quantitatively. When I'm writing broadly or minutely, you can read it qualitatively or quantitatively. And as said, as it has two or more than two values, kam se kam do values honi chahiye, tabhi uska variation pata chalega. Do se zyada ho sakti hai obviously. Aur wo values ka jo difference hai, jo more than two values hai, that might be numerical or categorical. How categorical or numerical? When I say that there are three groups of individuals, one is resident Indian, another is non-resident Indian, and one more is non-Indians. These are categories, but more than two values are there. It is a variable. This nationality is a variable. I classify all the teachers in a university. In my university, there are three groups of teachers. One is group of assistant professors, another is associate professors, another is professors. So this designation is a variable. You are an assistant professor, or you are an associate professor, or you are a professor. Your designation is variable. It is changing. It is varying. But this is a kind of category. Okay. Within a category, I will come to that point also. Within a category, you cannot say that ye kam associate professor hai, ye zyada associate professor hai. But you can differentiate ki haan ye associate professor hai aur ye professor. So is tarah ka bhi ho sakta hai. Wahi dusri jagah. न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने हाइट के लग भी आपसे कहा, किसी की हाइट 5 फीट 6 इंच है, किसी की हाइट 5 फीट 7 इंच है. सो यू कैन मेजर इट न्यूमेरिकली. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग रिकैपिटुलेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, दैट एनी कॉन्सेप्ट दैट वेरीज इज अ वेरिएबल. दिस वेरिएशन कैन बी इन क्वांटिटी, इंटेंसिटी, अमाउंट, टाइप एटसेट्रा. देन इट इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक. Measurement may be different, it may be qualitative or it may be quantitative. And when we are saying that it is varying, that then it should have, it must have two or more than two values. And this variation, this change happens or takes place from group to group or person to person or within a person over time. Okay. Now, let's see some examples. Though we have discussed height, we took an example. Sex, we took an example. Another example is class. We commonly call it grade in literature. Students' class, for example, it may be, you may consider it a socioeconomic class as well. Some might be middle class, some might be upper class, or some might be lower middle class or lower class. Whatever classification you maintain, that may be a class. Or you can consider it class like grade. Some student is in class 6, some student is class 7, someone is class 8. So the class is a variable. Age, someone is of 6 years, someone is of 7 years, someone is of 6 years, 2 months. This is a variable. This is varying from person to person. Marital status is an example of variable. Someone is married, someone is not married, bachelor, someone is divorcee, someone is widow. These are different levels or different status of marital status variable. Teaching method is another example of variable. You teach someone with traditional teaching method, or you may teach someone with cooperative learning method, or you may take another method to teach. So teaching method, if teaching method is changing from one group to another group, it is a variable. Achievement of a particular student and achievement of another student in any subject or in any class is an example of variable. So there are so many examples of variables which you see around your daily life, around your academic life, not only in academic life, in your social life, your daily life. You go through different variables. You find someone is poor, you find someone is rich. So this wealth status, someone is rich, someone is poor, is an example of variable. You find someone is tall, someone is dwarf, someone is short heighted. Height is an example of variable. There are many things. Okay, you classify your vegetables. Some vegetables are green vegetables, some are not, some are fresh, some are not. These are, again, you can be considered as an example of variables. Now, after understanding this concept of what is a variable, let's move towards types of variables.
So when I'm saying types of variables, types of variables can be done on different basis. It's like we understand that research can be classified in different groups on different basis. Like you classify research on the basis of what is the objective, then you classify it in pure research or fundamental research, and then you second option is applied research. On the basis of which answer your research is giving, whether it is giving what was, then you say it's historical research. If it is giving answer what is, it is a descriptive research. If it is answering what will happen if, then it is an experimental research. So on the basis of different basis, different basis, you classify research in different categories. In the same way, on the basis of different basis, we classify variables into different groups. And one of them is, one classification is qualitative or quantitative. The variables, all variables can be classified into two groups. One is qualitative group of variables, another is quantitative group of variables. Let us understand what is qualitative variable. Any qualitative variable describes quality. It can be understood with its name. The major important point about qualitative variable is that it describes quality in a non-numerical format. For example, you took an example of sex, male, female. Male, female, the sex can be considered as a qualitative variable. Marital status can be considered as a qualitative variable because you don't classify it in numerical format. You don't tell anyone ki ye aadmi married hai, itna married hai. Ye 100 gram married hai, ya ye 2.5 married hai, ye 3.5 married hai. You do not give numerical format to these variables. This marital status is an example of qualitative variable. You put simply in what categories. In qualitative variables, categories are kept. You cannot put them in an order of merit because you don't know the quantity. Agar aapne kaha ye male hai, ye female hai, to aap ye nahi kehte ye kitna zyada male hai, ye kitna zyada female hai. You simply put them in different categories. For example, you say local, rural, urban. तो आप ये नहीं कहते ये आदमी ज्यादा अर्बन है, ये आदमी कम अर्बन है, ये इतने पॉइंट ज्यादा अर्बन है. आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. एंड दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ दिस क्वालिटेटिव वेरिएबल. इन दिस वेरिएबल काउंटिंग कैन बी डन. व्हेन यू से दैट हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन अ ग्रुप, यू कैन काउंट देम. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन रूरल ग्रुप, यू कैन काउंट देम. But you cannot put them in an order. So this is the characteristic of a qualitative variable. It describes quality in non-numerical format. I have written some two important points here. For sex, I have written, however, new concept of continuity. Why I am saying this? Some of you might object when I said that sex is a qualitative variable. You put them into different categories, either male or female or transgender. You put them into different categories. But as I said, in qualitative variable, you cannot tell someone, इनको आप order of merit में नहीं रख सकते कि ये ज़्यादा male है, ये कम male. However, I'm talking in terms of general concept of sex here, which is an traditional concept of sex here. But in modern concept of sex, when feministic studies are there, they define nowadays. Mind it, nowadays sex is defined as a continuous variable. People say that sex of any individual is on a continuous scale. यानी कि आप हर एक व्यक्ति की masculinity या femininity को, वो कहते हैं ये discrete, मैं आऊंगा अभी discrete और continuous variables पर भी, आप इनको discrete form में नहीं रख सकते कि ये यहाँ तक male खत्म हो गया, यहाँ तक female खत्म हो गया. नया concept sex का ये कहता है कि male और female की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉन्टिन्यूटी में होती है. जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें कुछ मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए वो उस कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं. वाइस वर्सा, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसलिए वो कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं. इसलिए वो इसको नहीं मानेंगे कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है, वो उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं. सो ये एक अलग इश्यू है.
इसी के लिए मैंने ये दूसरी चीज भी लिखी है इस स्क्रीन में जो आपने हमें लिखी है लोकल एटसेट्रा के बाद मैंने लिखा है, बट कीप इन माइंड द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर ऑफ अ वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल कंसिडरिंग वेरिएबल्स. लुक, व्हेन आई एम सेइंग वेरिएबल्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स और व्हेन आई एम टेकिंग एनी एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, दीज वेरिएबल्स एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स आर इन जनरल, दे आर जनरल इन नेचर. एनी वेरिएबल in research is always context specific, that you should keep in mind. What does it mean? It means that when I'm saying this variable is qualitative, if I have an instrument and if I have decided to quantify a qualitative variable and I'm going to develop a tool, qualitative variables can be qualitative, quantify as well if I am planning to. For example, I'm defining the status of being rural or urban. In my research, I'm not talking general concept of rural urban. In my research, I am defining being rural or being urban according to the available facilities or accessibility to the facility to an individual. कोई व्यक्ति कितनी facilities avail करता है या कहाँ तक उसकी पहुँच है, कितनी medical facilities हैं उसके पास, कितनी urban entertainment facilities हैं, इसके basis पर मैं किसी का urban और rural होना define कर रहा हूँ अपनी research में. Then I can give them points. Okay, you have medical facilities to this level, so you will get so much points. If you have entertainment facility, so you have such a point. आपके इतने किलोमीटर के दायरे में एक मॉल मौजूद है, तो you have so much points. I can classify, I can quantify my this variable of being rural or urban in my research in specific. Then I can give them points, and I'm measuring them in, I'm quantifying this so-called qualitative variable, which I said local is a qualitative variable. Rural or urban, but in my research I am quantifying it and I have taken a strategy, I have taken a way to quantify it, then this variable converts into a quantitative variable. That's why I have saying, I'm saying that what variable, what is the nature of variable in your research, it is always context specific. How you have defined it in your research, how you are going to use it in your research, it will actually keep that variable in a particular class or particular group. So this classification, this types of variable which I am talking here or I am discussing here with you, is based on general conceptions of these variables. Okay, in your research if you have defined it differently, obviously it will go to a different category. So keep this thing in mind. That's why I have written this point, two things. In general, sex is taken as qualitative variable because you put these different categories, but a new concept of sex put it in a continuous variable. Where in the same way, locale I have taken here as a qualitative variable, but all the variables can be defined in context specific. All they have context specific nature. Okay. So after this qualitative variable, let's move to this quantitative variable, another type. Obviously, when I said quantitative variable, it can be put in numerical format and counting can be done. Whatever you can do with qualitative variable, that can be done with quantitative as well. Counting to qualitative mein bhi aap kar sakte the, to yahan bhi kar sakte hain. Quantitative mein aap measure nahin kar pa rahe the, usko order of merit mein nahin rakh pa rahe the, here you can do it. You can measure it in quantitative variable. Okay. Then we come to this discrete and continuous variable. Before moving that, let me see some facial expressions of the participants, what they are getting. If they are doing, you can give me your facial expressions. You can turn on your video for a moment and show me that you are here and you are with me. Something is going on positive. Thank you, Dr. Sanjay, Dr. Milind, Dr. Mosmi, Dr. Viditi, Dr. Deepa, Dr. Narayan is okay. So the format of the, thank you everyone. Thank you everyone for turning your videos on. But the point is that though the format of the program says that after 1 hour I will start taking question answers, but if organizers Professor Pandey allow me, I invite your queries or questions till now here. जो अभी तक हमने बात की इसमें अगर आपका कोई confusion है, कोई point है या जो आप कहना चाहते हैं, तो we can address it here right now. And then we'll go ahead.
You can put your question in comment box, as well as you can, if it is possible for you, if it you are allowed, then you can turn on your mic and ask me. Okay, no questions now, then I move ahead. And बीच बीच में आप लोग अपना माइक ये वीडियो वीडियो ऑन करके मुझे एक्सप्रेशन देते रहिए ताकि लगे कि हाँ सब चल रहा है, मेरा बोरिंग नहीं चल रहा है और सो नहीं रहे लोग. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. नाउ आई कम टू दिस डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल. सम पीपल से दैट दिस डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. It means they are saying that variables are divided into two categories, qualitative and quantitative, and quantitative are further divided into two categories, discrete and continuous. However, some people say that no, these are the separate classification, and qualitative variables can be kept in the category of discrete variables. So it is not a that kind of classification. So they say like this. Okay. Anyways, let's talk about discrete and continuous variable. When we say discrete and continuous variable, first let's talk about discrete variables. Discrete variables, in discrete variables, measurements are in integers. It means जब भी आप कोई चीज measure करेंगे वो पूर्णांक में होगा एकदम से. जैसे आपने कहा कि आप किस क्लास में हैं, उसने कहा क्लास सिक्स, क्लास सेवन. कोई ये नहीं कहता कि मैं क्लास 6.25 में हूँ, कोई ये नहीं कहता मैं क्लास 6.50 में हूं. नो, क्लास 6, देन क्लास 7, देन क्लास 8. सो दिस इज डिस्क्रीट वैल्यू. एक इंटीजर पूरा, फिर दूसरा पूर्णांक, फिर तीसरा पूर्णांक. जो भी वैल्यूज होंगी वो पूर्णांक में होंगी. नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, इफ यू से आई हैव क्लासिफाइड द यूनिवर्सिटी टीचर्स इन माई यूनिवर्सिटी इंटू थ्री ग्रुप्स. One group is of assistant professors, another group is of associate professors, and one group is of professors. So there will be complete integers in a group. Number of teachers, number of associate professors, full complete integer hoga. Aisa nahi hoga ki mere group mein sab 6.5 professors hai, 6.5 professors. It's not like that. Either 6 professors or 7 professors. It cannot be like 6.75 professors. It cannot be that. Ye bacche कभी कभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते ना शुरू में, अर्थमेटिक के सवाल देते हैं बच्चों को, तब बच्चे जरूर कंफ्यूज कर जाते हैं. जैसे हमने पूछा कि साहब एक बस में एक बार में 20 लोग जा सकते हैं और 90 लोग हैं, उनके लिए कितने राउंड करने पड़ेंगे बस के. तो बच्चे ने आंसर दिया कि साहब 4.5 राउंड. So this cannot be done. कितने राउंड होंगे, ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर होगा, ये डिस्क्रीट है. चार होंगे या पांच होंगे, पांचवें में आधी बस भर के जाएगी वो ठीक बात है, लेकिन पांच राउंड होंगे. बिल्कुल इसी तरीके से जहां वेरिएबल मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल होगा वहां मेजरमेंट हमेशा इंटीजर से होगा. एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी, आपकी इंस्टीट्यूशन में आपके कॉलेज में कितने लोग हैं, 100, 102, 101, 103. ऐसा नहीं हो सकता 100.5, ये नहीं हो सकता. ओके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ए प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में आप लोग कितने पार्टिसिपेंट हैं, अभी मुझे 100 दिख रहे हैं टोटल मुझको मिला के, तो 100 है. ऐसा नहीं है ना 99.5. विजिबिलिटी की प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, वो मैं जानबूझ के उसको हटा देता हूँ बीच में जब जरूरत नहीं होती, ताकि आपके एक्सप्रेशन देख, जब वो मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर तो आप लोगों के चेहरे नहीं दिखते ना मुझे, इसलिए मैं हटा देता हूँ उसको बीच बीच में. तो डोंट वरी फॉर दैट. और पीपीटी अवेलेबल है ये वाला ऑलरेडी आपके यहाँ ऑर्गेनाइजर्स के पास, मैंने मेल कर दिया, यू विल गेट इट. ओके, देन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया, ये सारे एग्जांपल डिस्क्रीट वेरिएबल्स के हैं. अनदर कैटेगरी इज कंटीन्यूअस वेरिएबल्स. हियर इन कंटीन्यूअस वेरिएबल दिस इज पॉसिबल, द वैल्यूज बिटवीन टू इंटीजर्स इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज पॉसिबल. जैसे एज 6 years, 7 years. लुक, यहां एक चीज जरूर दिमाग में रखिए, मैंने जैसे कहा कि वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, नॉट ओनली वेरिएबल्स, रिसर्च में मैक्सिमम चीजें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक चलती है. हम डिफरेंट अलग टॉपिक पर भी किसी दिन बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें, मैं कैसे हाइपोथेसिस बनाऊंगा,
मैं कैसे मेजर करूंगा, मैं कैसे डिजाइन लूंगा, कैसी सैंपलिंग करूंगा, ये सारी की सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। मेरी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे होती है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी वेरिएबल को मैं किस तरीके से ले रहा हूं ये भी मेरे ऊपर है। जैसे कोई अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, बट इन योर रिसर्च यू कैन कन्वर्ट अ कंटीन्यूअस वेरिएबल इनटू अ डिस्क्रीट वेरिएबल। यू गॉट इट? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप के पास कोई संख्या पूर्णांक में है, इंटीजर में है, यू कैन नॉट फ्रैक्शनलाइज इट, लेकिन जो फ्रैक्शन वाली संख्या है उसको आप राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट कर पाते हैं। स्कूल में सिखाते ना छोटी क्लासेज में, प्राइमरी में 6.25 है तो उसको आपने 2.5 के बदले में 3 कर दिया, लेकिन 3 5 से कम है तो उसको 6 कर दिया, 6.75 है तो उसको कन्वर्ट करके 7 कर दिया, सार्थक संख्या जिसको आप बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और डिफरेंट तरीके हो सकते हैं लाइफ में, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक चीज को आप दूसरे में बदल पाते हैं, दूसरे को आप एक में नहीं बदल पाते। ऐसा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जिसको आप कहते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये चार स्केल होते हैं। नॉमिनल लोएस्ट है, ऑर्डिनल उससे ऊपर है, इंटरवल उससे ऊपर है, रेशियो उससे ऊपर है। तो जो चीज आपने रेशियो में मेजर की है उसको आप नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल की चीज को आप रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोअर चीज को आप हायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हायर मेजरमेंट को आप लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल को आप कंटीन्यूअस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन कंटीन्यूअस को आप अपनी रिसर्च की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा एज, एज एक कंटीन्यूअस वेरिएबल है। आप एज 6 साल 7 साल, 6 ईयर 7 ईयर्स, इन दोनों के बीच में आप जितने चाहे उतने टुकड़े मेजर कर लीजिए। 6 ईयर 1 मंथ, 6 ईयर 2 मंथ, 6 ईयर 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10, 11। आप इससे और ज्यादा तोड़ना चाहते हैं इनके बीच में और मेजर कर लीजिए। 6 ईयर 1 मंथ 2 डेज, 6 ईयर 1 मंथ 3 डेज। अब अलग अलग होगी वैल्यू, अलग अलग होगी। एक व्यक्ति 1 साल 1 महीने, 6 साल 1 महीने 2 दिन का हो सकता है, दूसरा व्यक्ति 6 साल 1 महीने 3 दिन का हो सकता है। सो दिस, इसके बाद भी और आप फ्रैक्शन करना चाहते हैं, 6 ईयर 2 मंथ 1 डे 3 आवर्स, यू कैन कीप ऑन फ्रैक्शनलाइज दिस। सो दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, लेकिन आप चाहें तो इसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्क्रीट में। आपने कहा जिसकी 6 महीने से ऊपर होगी उसको मैं 7 साल में काउंट करूंगा, जिसकी 6 महीने से एज कम होगी उसको मैं 6 साल में काउंट करूंगा। ओके, एरर होगी, उतना रिफाइंड रिजल्ट नहीं आएगा, उतना माइन्यूट डिटेल नहीं आएगी, लेकिन एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन माय ऑब्जेक्टिव्स, इट डिपेंड ऑन माय रिसर्च सेंसिटिविटी, कॉन्टेक्स्टिविटी। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मुझे अलाउ करता है कि मुझको 6 साल 7 साल दो वैल्यू रखनी है, तो जिसका 6 साल 6 महीने हो गया उसको उधर पजा दीजिए 7 तरफ, बाकी को नीचे ले आई, तो इधर 6 मंथ 6 ईयर्स और 7 ईयर्स। आई कैन कन्वर्ट दिस कंटिन्यूअस वेरिएबल इनटू डिस्क्रीट वेरिएबल, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कमिंग बैक टू दिस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, दैट इनकम, यस इनकम इज देयर, हाइट, लेंथ, ऑल दीज थिंग्स आर कंटिन्यूअस। एंड माइंड इट, the fraction converting into more fractions or going into more fractionalizing your continuous variable also depends upon your instrument. जैसे मेरे पास मान लीजिए एक स्केल है जिसमें सेंटीमीटर से नीचे नापने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल, किसी चीज को मैं मेजर कर रहा हूँ, हाइट को ही मैं मेजर कर रहा हूँ, तो हाइट आई विल मेजर इन अप टू सेंटीमीटर ओनली, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग to be fractionalized below centimeter. But if I have a fine instrument, it can break it into even millimeters or even below than millimeters, micrometers. There are many other options. So it depends on this instrument, the tool which I have to measure this continuous variable. But the crux point, the difference between discrete variable and continuous variable is, in discrete variables, values are always integers and the two values between these two integers is not possible. You cannot measure it. Whereas in discrete, in continuous variable, any value can be measured between these, between any two integers as well. You can keep on measuring between points, between two integers. Okay? So this is continuous variable.
Then we come to this very popular classification, this we commonly know in our research. And this is most of the time is considered in experimental research. Though it is also there in ex post facto research. Don't confuse it with एक चीज में जरा रिसर्च में हालांकि आप सब लोग एक्सपर्ट हैं और जानेंगे और इस बीच में डिस्कशन वर्कशॉप में भी जानेंगे आपकी बात भी हुई होगी. मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंफ्यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. डोंट कंफ्यूज इट. व्हाई आई एम सेइंग आप कहेंगे हम तो जानते हैं सब दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या कंफ्यूजन है. एक्सक्यूज मी सर, मैंने जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं. हाँ सर, एक अनाउंसमेंट थी अटेंडेंस के बारे में पार्टिसिपेंट्स के लिए. प्लीज सर. ओके, सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि अपना अटेंडेंस के लिए आप चैट बॉक्स में जा सकते हैं. 350 तक आपका अटेंडेंस लिंक एक्टिव रहेगा और आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से अपनी अटेंडेंस मार्क करें. थैंक यू. थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर. अच्छा, टेंडेंसी क्या है पार्टिसिपेंट्स की? जैसे लिंक एक्टिवेट आप अनाउंस करते इमीडिएट अटेंडेंस देते हैं सभी लोग? हाँ सर, अटेंडेंस के लिए फिक्स है ना ये 20 मिनट्स के 15 मिनट्स के लिए हमारा लिंक. मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा नहीं सर, वो साथ ही साथ देते रहेंगे, आप कंटिन्यू रखिए. ओके, और वैसे हमारे मल्टीपल में रहते हैं, ऐसा नहीं सर कि अटेंडेंस के समय पे ज्यादा कम होता है, वो थोड़ा बहुत है. इट्स वेरी गुड. ओके, आई वाज सेइंग दैट डिफरेंस बिटवीन, मैंने क्यों कहा कि हम डिस्क्रिप्ट इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव इसको कंफ्यूज करते हैं हम. मैंने कहा कि मैंने टीचर्स के दो ग्रुप्स लिए और कहा कि ये प्राइवेट ग्रुप प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स हैं एंड दीज आर टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स. ओके, so and then I said कि इन दोनों का मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर किया. While measuring job satisfaction of these two groups, I found a significant difference between the job satisfaction of government school teachers and private school teachers. Okay, and then I conclude that nature of your job, being government or private, affects job satisfaction. मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा मुझे पार्टिसिपेंट बताएं कोई भी अपना माइक ऑन करके या इसमें लिख के कमेंट में कि क्या गड़बड़ बोला मैंने इसमें, कहीं एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ हो गया. मैंने कहा कि आई मेजर्ड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड प्राइवेट स्कूल टीचर्स. And then I different calculated T, applied T between job satisfaction of government school teacher and private school teacher, and I found significant difference. And I concluded that. अरे कहाँ है वो शर्मा जी? Job बुलवा जरा शर्मा जी, मैं तो डलना रहा हूँ. अरे मतलब खाओ कितना करता रहता है रखे हुए. वो सुबह तो कल बीमार था ना. ओके, थैंक यू. हाँ, किसी ने लिखा, अलका जी ने लिखा जॉब सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट अलका जी. आई हैव अ टूल फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन, देयर आर मेनी टूल्स फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन. मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ जरा उसको पकड़िएगा. मैंने ये कहा कि मैंने दोनों के बीच में टी निकाला और कहा कि नेचर ऑफ जॉब उर्वशी जी म्यूट करिए. थैंक यू. आई सेड दैट दोनों के बीच में गवर्नमेंट स्कूल टीचर या प्राइवेट स्कूल टीचर, यानी कि आपका जॉब का स्टेटस क्या है बीइंग गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करता है. ये मैंने स्टेटमेंट दिया. क्या गड़बड़ हुई इसमें?
Trujada ji, I think you got it now. Anyone? अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, इसमें गड़बड़ क्या हुई, हम बात कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, जब मैंने यस, अर्चना सौरभ ने जो लिखा है देयर इज डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर्स, यस ये मुझे कहना ठीक है हेट्रोजीनियस ग्रुप में, हाँ हेट्रोजीनियस में तो हो रहा है कंपैरिजन, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना तो ठीक है कि हाँ दोनों के जॉब सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है, इवन आई कैन फाइंड कोरिलेशन बिटवीन जॉब योर नेचर वर्किंग कंडीशन एंड योर जॉब सेटिस्फेक्शन, बट आई एम नॉट हियर कम एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, माइंड इट, मैं जो रिसर्च कर रहा था जिसमें मैंने दो अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल टीचर और प्राइवेट स्कूल टीचर्स लिए एंड आई मेजर्ड देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, in that situation I am actually conducting a descriptive research, what is the status that I am measuring, so I can generalize either that there is a difference or most what can I do, I can find a correlation between their status of job and their job satisfaction, but I cannot generalize without establishing cause and effect relationship that their nature of job being government or private affects job satisfaction. I cannot establish cause and effect relationship without having a cause and effect relationship set up, which is either done in experimental research or in ex post facto, which is called causal comparative research. Mind it. That's why I said most of the time we generalize our findings in a different way. मैं यहाँ पे independent dependent cause and effect देख ही नहीं रहा था, मैंने simply correlation देखा. या मैंने सिंपली डिफरेंस देखा दो ग्रुप्स के, उसमें उसके पीछे डिफरेंस के पीछे कॉज क्या है वो एक अलग रिसर्च होगी, एक्सपोस्ट फैक्टो होगी, ध्यान देना एक्सपोस्ट फैक्टो में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, द मेजर डिफरेंस इज दैट इन एक्सपोस्ट फैक्टो योर मैनिपुलेशन हैज बीन इन पास्ट, यू हैव यू रिसर्चर डजंट मैनिपुलेट, इफेक्ट इज इन प्रेजेंट, वेयर इज इन एक्सपेरिमेंट manipulation is in present, effect is in future. So there's a difference. That's why ex post facto research or causal comparative studies are kept in descriptive research, whereas experimental research is a different role. So my point is that these variables, which I'm saying dependent or independent, most of the time, generally, they are kept in experimental research, though they can be kept in descriptive research. If I'm going for ex post facto, I'm establishing cause and effect. Or concludingly, I'm saying that cause and effect relationship establish करते समय हम ये dependent independent से ज़्यादा रूबरू होते हैं इन variables से, तो ये variables हमारे वहाँ बहुत आते हैं और commonly इनको हम बहुत daily life में use करते हैं इन terms को variables के नाम पर, so I'm coming to that classification, dependent and independent, इसी पर मैं आपका थोड़ा सा 10 मिनट time लूँगा, जो कुछ इसमें important points हैं जो हमको समझने चाहिए. The first type is dependent variable, as you all know that it is a respondent variable. When we manipulate, when I am establishing cause and effect relationship, so cause is due to independent variable and effect is on dependent variable. That's why we call it respondent variable as well. The dependent variable is also known as respondent variable. So, jis par farak padta hai, जो प्रभावित होता है, the variable which is affected by another variable, that is called dependent variable. For example, marks are affected by hard work. So, if one student works hard, he or she gets better marks. So, marks are dependent on hard work. So, marks, or in terms of achievement, in terms of marks. Is a dependent variable here मैंने term use किया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा context specific होता है, मेरी इस research में मैं देखना चाहता हूँ कि hard work कौन कितने घंटे पढ़ता है रोज, कौन कितनी मेहनत करता है रोज, उससे marks पर क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा example, if I compare that, is there any difference in achievement of students taught using cooperative learning
और टॉट यूजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. एक ग्रुप को मैंने कॉग्निटिव लर्निंग मेथड से पढ़ाया है, एक को मैंने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाया है. इन दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के अचीवमेंट से अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स पर कोई फर्क पड़ता है क्या टीचिंग मेथड बदलने से? सो टीचिंग मेथड हियर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज रेस्पोंडेंट वेरिएबल एंड इट इज चेंज्ड, इट इज अफेक्टेड बाय द मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देन वी कम टू दिस इंडिपेंडेंट which is manipulated by the researcher or which is considered manipulated by the researcher. Why I am saying so? Which is manipulated by the researcher or which is considered manipulated by the researcher? Considered manipulated means जब मैं exposed factor study की बात कर रहा हूँ वहां भी हम cause and effect देख रहे हैं, लेकिन manipulation researcher नहीं करता, वो पहले से manipulation हो रखा होता है, इसलिए मैंने कहा कि which is considered manipulated by the researcher. Okay? और एक्सपेरिमेंटल में चूंकि मैं खुद मैनिपुलेट करूंगा, रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करेगा, सो आई एम सेइंग इट. सो दिस इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एज आई सेड मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क, सो हार्ड वर्क हियर इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एज आई सेड इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड वेदर कोऑपरेटिव लर्निंग और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऑन अचीवमेंट ऑफ अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, देन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इज डिपेंडेंट, वेयर एज टीचिंग मेथड which has two forms here, cooperative learning and traditional method, but the variable is teaching method. So teaching method is an independent variable in this situation. So these are because of, if I say in layman terms, because of manipulation in independent variable, the value of dependent variable changes. Aap independent ko badaliye, dependent badalna shuru ho jayega. This is independent and dependent variables. Within independent variables, there are two types. All independent variables can be categorized, can be classified into two categories. And one of them is treatment and another is organismic or attribute variable. So one is treatment independent variable, another is organismic independent variable. Treatment independent variables are those variables which are actually altered by the experiment. For example, if I said I'm going to check the effect of traditional teaching method, compare the effect of traditional teaching method and cooperative learning method on achievement of students in mathematics, then one group I'm teaching using traditional teaching method, another group I'm teaching using cooperative learning method. I am actually deliberately altering the teaching method. So this teaching method here is a type of treatment independent variable. Got it? Independent variable, I am classifying into two groups. Dependent variable, another is organismic or attribute independent variable. Treatment independent variable, one jo researcher manipulate kare. So I manipulated from this traditional, from traditional teaching method, one group to be taught by and another group to be taught by cooperative learning method. So it is treatment independent variable. Another is organismic, which cannot be altered by the researcher, but they are taken as altered independent variable, but researcher cannot alter them. For example, I am saying that what is the difference in achievement of students taught using traditional teaching method and cooperative learning teaching method? So two method ho gaye, and I am seeing that what is the difference in achievement of boys and girls taught by traditional teaching method and cooperative learning method. Now here I introduce one more independent variable. One is traditional teaching method and cooperative learning method, it means teaching method, one independent variable which was part of treatment independent variable. Another is gender, sex here, male, female, boys and girls. This researcher cannot alter. Kisi bhi participant ka sex I cannot alter as a researcher. वो तो फिक्स्ड है पहले से. सो व्हेन आई सेड दैट बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट ग्रुप, सो दिस वेरिएबल सेक्स हियर, बॉयज एंड गर्ल्स, रिसर्चर कैन नॉट ऑल्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इज एंड सो इट इज कंसिडर्ड इन
ऑर्गेनिज्मिक और एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई कैटेगराइज ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अनदर इज ऑर्गेनिज्मिक और एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट. ओके नाउ आई कम टू दिस नेक्स्ट moderating variable. There is one more type, which word which you have heard, moderating variables. Sometimes we consider them as moderating variables, sometimes we control them and call them controlled variables. Actually, moderating variables are the variables which affect the causal relationship of dependent and independent variable. Jaise मैंने अभी कहा कि हार्ड वर्क द रिलेशन आई वाज चेकिंग द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो हार्ड वर्क वाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो दिस इज कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हार्ड वर्क एंड मार्क्स. बट आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल हियर. आप ऐसा नहीं कह सकते कि कौन जो जितना ज्यादा हार्डवर्क करेगा उतना ही ज्यादा मार्क्स पाएगा. यहाँ कुछ और चीजें भी लागू है. आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो मैटर. किसी का आईक्यू बहुत तेज है तो हार्डवर्क से भी वो ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकता है कंपेरेटिव टू उस स्टूडेंट के जिसका आईक्यू लो है. वो हार्डवर्क उतना ही करता है लेकिन सिर्फ मार्क्स कम आते हैं. सो आईक्यू भी रोल प्ले करता है, आईक्यू भी अफेक्ट कर रहा है. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ये शर्मिला कह रही है मॉडरेटिंग इज ऑल्सो नॉट इंटरवेनिंग. थोड़ा सा उन्हीं को टर्म बदल बदल के यूज करते हैं. मैं आऊंगा अभी इस बात पर. हम जब हमारी नॉलेज में हो कंट्रोल कर लें तो उसको मॉडरेटिंग या कंट्रोल कर देते हैं. जब वो नहीं होता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो इंटरवीनिंग में आएगा. अभी मैं आता हूँ उस टाइप पर भी. तो यहां जो उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ऑल्टर करेगा वो कहलाएगा मॉडरेटिंग वेरिएबल. यहाँ पे आईक्यू मॉडरेटिंग वेरिएबल है जो उनके इफेक्ट को मॉडरेट कर रहा है, बीच में प्रभाव डाल रहा है. ओके देन वी कम टू वन मोर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. दिस इज अनदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग. जो अभी आप इंटरवीनिंग की बात करें तो इसमें है. एक्चुअली कंफाउंडिंग वर्ड जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है इसको बिल्कुल सीधे सीधे से शब्दों में समझिए. बहुत किताबों में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा कंफाउंडिंग और सब में आ रहा हूं सूर्योदय. आप जो क्वेश्चन पूछे आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. आपने पूछा कि कंफाउंडिंग और एक्सट्रेनियस में, एक्सट्रेनियस इज अ टाइप ऑफ कंफाउंड. एक्चुअली कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच कंफ्यूज द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल विच कंफ्यूज विद. जैसे ऐसे समझिए कि आई डिसाइडेड टू स्टडी द इफेक्ट डिफरेंस इन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टॉट यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड एंड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड. वो इस एग्जांपल को मैं तभी शुरू से लेकर चल रहा हूं उसी को पकड़िए कि मैंने डिसाइड किया कि दोनों से क्या अंतर आता है. ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड इज ओके. व्हेन आई डिवाइडेड स्टूडेंट्स इंटू टू ग्रुप्स सो आई एड्रेस देम टूगेदर. 60 बच्चे मैंने एक साथ बिठाए एंड आई अनाउंस देम. सुनिए मेरी बेवकूफी एज ए रिसर्चर समझिए मैं क्या करता हूं. आई अनाउंस ऑल द 60 स्टूडेंट्स टूगेदर दैट नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू डिवाइड यू स्टूडेंट्स इंटू टू ग्रुप्स एंड आई विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. वन ग्रुप दैट इज दिस दीज आर 30 स्टूडेंट्स. दिस विल बी ग्रुप ए. दिस ग्रुप ए विल बी टॉट बाय ट्रेडिशनल मेथड. जैसा अब तक मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही पढ़ूंगा. And this another method, another group, group B, I will taught using them a new method, and which is a very popular, interesting method. So I announced this, and I started experimentation. What happened? There are chances that now students of group A don't have any new enthusiasm. जैसे चलता था ऐसे तो चल रहा है. वो सर पढ़ाई क्या नहीं बात होगी. But students of group B are feeling superior. सर ने हमको चुना है नया मेथड से पढ़ाएंगे. बढ़िया मेथड से पढ़ाएंगे सर. नई बात है कुछ नया होने जा रहा है. एंड दे आर एक्स्ट्रा हैप्पी. दे आर
extra enthusiasm. They are full of enthusiasm. They are working hard now. Because of this enthusiastic approach, they start working hard and they got better marks. Now you are confused. This is because of their enthusiasm or because of this method. Now you are confused. Okay, yes, reverse is also possible. Sharmila is saying reverse is possible. Yeah, of course, reverse is also possible. That's why I said mera pagalpan samajhe researcher ke roop mein, kya galti ki. That's why as researcher we don't do this. We don't never put such things in front of students. Okay, isliye hum wo placebo ka concept rakhte hain taki pata na chale kisko dawai mil rahi hai kisko nahi mil rahi hai. Placebo isliye to rakha jata hai taki aap confounding ke effect ko control kar sake. Okay, psychological effects ko control kar sake. दूसरा भी हो सकता है और भी कई सारे ऐसी वो चीजें जो आपको कंफ्यूज करेंगी कि ये रिजल्ट ये बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट हो रहा है उसके मैनिपुलेशन की वजह से हो रहा है या किसी और थर्ड वेरिएबल की वजह से हो रहा है. वो जो वेरिएबल्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं इंडिपेंडेंट के इफेक्ट को डिपेंडेंट को, दोज आर कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. ओके, एंड दीज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज. One is called intervening variable, another is called extraneous variable. You have carry intervening. These are types of confounding variables. And intervening variables are such confounding variables which are actually hard to observe or control. जिनको हम impossible तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है. उनको आपको ऐसे accept करना पड़ता है. अभी किसी ने पूछा डॉक्टर प्रकाश एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स. एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल उन्हीं को कहते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना रहे होते हैं, सो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल. वो कहने के टर्म है अलग अलग. सो इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो कंफाउंडिंग वेरिएबल तो है लेकिन उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है, संभव नहीं है तो, लेकिन दे आर नॉट इजी टू कंट्रोल और इजी टू ऑब्जर्व. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा बच्चे एंथोजिस्टिक हो गए या फटीक, स्टूडेंट्स के बीच में फटीक, एंग्जाइटी, दीज आर द वेरिएबल्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल. जैसे अभी आपने दो ग्रुप लिए, दोनों ग्रुप को अलग अलग मेथड से पढ़ाने का तय किया और पढ़ाने के लिए आपने जो चैप्टर चुना, बाय चांस एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए वो चैप्टर डरावना है, दिस क्रिएट्स This gives them anxiety. दूसरे ग्रुप के लिए नहीं हो सकता. You cannot control it very easily. And this is an example of intervening confounding variable. Whereas extraneous confounding variables are those variables which confuse with the result of independent variable, but they can be controlled or observed easily. जैसे I decided to teach two groups, and one group I'm teaching in first. Another group I'm teaching is in the last year. Yeah, मैंने किया कि हमारे इंडिया में जरा चलन कम है, हमको ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं इस टाइप की, तो हम खुद ही रिसर्चर ही पढ़ा रहा होता है दोनों ग्रुप्स को. अदरवाइज जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ 8-8 ग्रुप्स को एक साथ पढ़ाया जा रहा होता है, 10-10 ग्रुप को पढ़ाया जा रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेरिमेंट चलता है, अब्रॉड में बड़ा कल्चर इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन का, वहां टीचर क्या करता है, जो रिसर्चर होता है मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पढ़ाया जाना, तो 8 टीचर्स को ट्रेन करता है और उसके बिहाफ पर वो 8 टीचर्स पढ़ाते हैं. अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया, आपने दो ग्रुप है टीचर्स को ट्रेन करता, एक को ग्रुप ए को एक टीचर दूसरा पढ़ा रहा है, अब ए और बी का जो डिफरेंस है टीचिंग कैपेसिटी, जो टीचिंग स्टाइल है दोनों की, ये कंफ्यूज करेगी बच्चों का अचीवमेंट मेथड की वजह से बदला या टीचिंग का टीचर की वजह से बदला. So this is confounding variable, लेकिन it can be controlled easily. आप दोनों जगह एक ही टीचर दीजिए, ये कंट्रोल हो सकता है आसानी से. So it is called extraneous confounding variable. Okay, so I'm repeating it that ये जो जिनको आप कर सकते हैं ये extraneous और मौसमी, मैंने यही बताया अभी, extraneous और intervening.
कंफाउंडिंग वेरिएबल के मैंने दो टाइप बताए, आई कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एक्सट्रेनियस एंड इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग आर सच कंफाउंडिंग वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और कैन नॉट बी ऑब्जर्व इजीली, वेयर एज एक्सट्रेनियस कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व इजीली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, नाउ आई कम टू दिस लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टुडेज प्रेजेंटेशन एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। In variables, we very commonly hear this term, particularly if you have gone through UGC NET syllabus of up to 2 or 3 years before. Abhi recently wo change hua, usse pehle ka jo UGC NET ka syllabus hua karta tha, usme ek term hota tha research ke syllabus mein, delineating variable. UGC ka jo model curriculum tha, wo kya bolte hain? उसमें भी एक मॉडल करिकुलम में भी एक टर्म था रिपीटेड, वो डेलिनेटिंग वेरिएबल्स। सो व्हाट इज डेलिनेटिंग वेरिएबल? व्हेन वी यूज दिस टर्म डेलिनेटिंग वेरिएबल्स इन आवर रिसर्च इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, डेलिनेटिंग वेरिएबल्स मींस वी सिंपली आइडेंटिफाई व्हिच आर द वेरिएबल्स इन माय रिसर्च। सो आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स इन आवर रिसर्च इन आवर स्टडी इज कॉल्ड डेलिनेटिंग वेरिएबल्स, अंडरलाइनिंग इट, underlining it. You are saying, okay, this, 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 and you identify, recognize these variables. That process is called delineating variables. Then defining variables. In our research, defining variable is a very important term, step. When we define variables in our research, we should define it in two ways. One is theoretical definitions, another is operational definitions. In some institutions, they simply say that, okay, there is no need to define them theoretically if they are established variables. So you simply definition, operational definition of the terms. Ye karke ek heading hota hai na research mein, operational definitions. But the concern is actually operationally defining the variable. So what does it mean, defining two ways? One is theoretical definition or conceptual definition of the variables. So that is that definition which conceptually or theoretically defines your variable. For example, IQ or intelligence is your variable. Okay. So you define what is IQ, what is an IQ. So according to Wechsler, you define this is intelligence. So according to some other expert, you define this is intelligence. So this is called conceptual definition. In your research, there are more than 10 definitions of intelligence. But and there some definitions have something common, some of the definitions have something different among them. So which is your take to your research? How you are going to quantify or measure this variable, this intelligence in your research? That is your operational definition. This is your question, how you are going to operationalize it. Operationalize means aap apni research mein isko kaise use karne wale, आप किसको कहेंगे इंटेलिजेंट है? जैसे मैंने कहा अपने रिसर्च में, मान लीजिए मैं कहता हूं कि साहब इन माय स्टडी, इन दिस स्टडी द स्कोर ऑब्टेंड बाय एन इंडिविजुअल ऑन भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट विल इंडिकेट हिज और हर इंटेलिजेंस, दिस इज माय ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन माय रिसर्च। इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा मतलब यह है, अगर मैं लेमैन शब्दों में कहूं तो मैंने ये कहा कि सब मैं अपनी रिसर्च में इंटेलिजेंस भाटिया बैटरी टेस्ट से नापूंगा। अब इंटेलिजेंस की दिस डेफिनेशन और दैट डेफिनेशन, ये एस्पेक्ट कवर हुआ, वो एस्पेक्ट कवर हुआ, नहीं हुआ, ये डोमेन कवर हुआ, वो डोमेन कवर हुआ, नहीं, मुझे नहीं मतलब है। भाटिया बैटरी ने बता रखा है कि देखो इंटेलिजेंस ऐसे नापते, मैंने उसको मान लिया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। व्हेन वी डिफाइन variables in our research, we must define them in two ways, theoretical definition as well as concludingly we must tell the operational definition, how I am going to measure, how I am going to use this variable, operationalize this variable in my research. So this is operational definition. Then comes the last point for this presentation, is controlling variables. Sharmila was also asking some questions about this controlling variables. Look, so I will cover that question also of Sharmila. Variables
इन एन एक्सपेरिमेंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सपेरिमेंट का मेन कंसर्न क्या है किसी भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का? द मेन कंसर्न ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट वी कैन एस्टैब्लिश कॉज एंड एफेक्ट रिलेशनशिप विद मच मोर कॉन्फिडेंस. आई कैन बी श्योर अबाउट दैट दिस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉज. कॉज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्ट इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. Whatever manipulation I am doing in independent variable, that is creating cause. And whatever change we are observing in dependent variable, that is the effect. So in experimental research, we establish cause and effect relationship. कितना confident हूं मैं, कितना ज्यादा sure हूं मैं कि ये effect इसी cause की वजह से, किसी और confounding की वजह से नहीं है. Okay? जब मैं उस, अब यहां पर जब मैंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आई सेड कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट है पर अचीवमेंट ऑन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इफेक्ट है. तो मैं कितना श्योर हूं कि ये इसी वजह से, ये कहीं टीचर के टीचिंग स्टाइल चेंज होने की वजह से तो नहीं है, ये कहीं स्टूडेंट का सेक्स चेंज होने की वजह से तो नहीं है, ये कहीं स्टूडेंट का सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से तो नहीं है, ये कहीं स्टूडेंट्स का टीचिंग टाइम चेंज होने की वजह से तो नहीं है, किसी को आपने प्री लंच पढ़ाया किसी को पोस्ट लंच पढ़ाया, ये कहीं किसी और फैक्टर की वजह से तो नहीं है, ये स्टूडेंट्स के अपने आईक्यू की वजह से तो नहीं है, ये स्टूडेंट्स की अपनी मैच्योरिटी की वजह से तो नहीं है. ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको. अब इसके आपके पास दो तीन तरीके होते हैं. Consider such a variable and you also examine its role in creating effects. जैसे मैंने कहा कि साहब hard work और marks, और उसमें मैंने कहा IQ भी फर्क डाल रहा है. तो मैंने कहा कि कम IQ वाले hard work करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा IQ वाले hard work करते हैं तो क्या होता है. मैंने उसको अपनी स्टडी का एक पार्ट बना दिया. Now I will say it moderator variable. Got it? तो अब इस तरह के confounding variable जो हैं मेरे पास दो रास्ते बचते हैं. या तो मैं उसको स्टडी का पार्ट बनाऊ और मॉडरेटर हो जाए, मैं उसको रोल प्लेस का एक्सेप्ट करूं और उसके रोल को एग्जामिन करूं, या फिर दूसरी चीज यह है कि मैं उसको कंट्रोल करूं. अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो उसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल. कंट्रोलिंग के फिर अलग अलग तरीके हैं. यस शर्मिला जो पूछ रही है, यस स्टैटिस्टिकल मेथड्स आता है. ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास वही चारा ही बचता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही चारा बचता है. एंड जैसे अगर मान लीजिए हम रेंडमाइजेशन नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में, तो हम गए क्वासी पर गए तो हम एनकोवा लगा के उसको कंट्रोल करेंगे. स्टैटिस्टिकल मेथड्स शर्मिला, दोज आर द ऑप्शंस. यस लेकिन पहली कोशिश हम करते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल दीज. बेटर द कंट्रोल, बेटर द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं यहां. इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इंटरनल वैलिडिटी वो चीज है जो ये एंश्योर करती है कि हाँ ये इफेक्ट इसी कॉज का है, किसी और का नहीं है. जितने ज्यादा कंफाउंडिंग वेरिएबल होंगे उतनी इंटरनल वैलिडिटी घटती जाएगी. इंटरनल वैलिडिटी मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ ये इसी वजह से हो रहा है, जबकि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है वो मुझको जनरलाइज करने की कैपेसिटी देती है, और दोनों रिवर्स चलते हैं जनरली. जितना ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे उतना आपकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़ती जाएगी. कंट्रोलिंग के बहुत सारे तरीके हैं. आप उस वेरिएबल को रिमूव कर दीजिए, जैसे मैंने कहा कि साहब जेंडर सेक्स रोल प्ले कर रहा है कॉग्निटिव लर्निंग मेथड और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से अचीवमेंट को चेक करने. तो मैंने क्या किया कि मैंने सेक्स को रिमूव ही कर दिया. मैंने सारा एक्सपेरिमेंट इधर बॉयज पर किया और गर्ल्स पर किया, तो आई रिमूव दिस वेरिएबल. झंझट ही खत्म. एक ग्रुप बॉयज का था, एक गर्ल्स का था, ना झंझट ही, दोनों को बॉयज के ले लिया या दोनों गर्ल्स के ले लिया. तो मैंने इंटरनल वैलिडिटी बढ़ाई, आई रिमूव दिस वेरिएबल. मैंने कंट्रोलिंग बढ़ाई, कंट्रोल कर लिया उस वेरिएबल को. But the moment you start controlling things, the artificiality of the experiment goes up.
रियल नेचुरल सेटिंग्स मिलेंगी, जब आप रियल लाइफ में पढ़ाने बैठेंगे बच्चों को तो आपको बॉयज भी मिलेंगे गर्ल्स भी मिलेंगे, जब ये दोनों सिचुएशन होंगी तो केवल एक को एक्सपेरिमेंट करने से क्या फायदा है, फिर आप रखिए दोनों को। ये एक ऐसा द्वंद है जो पूरी आपकी बिहेवियरल रिसर्च में, पूरी एजुकेशनल रिसर्च में चलता है, वो इसमें ही नहीं, टाइप वन टाइप टू अगर आप ले लीजिए उसमें भी चलेगा, आप टाइप वन घटाएंगे तो टाइप टू बढ़ जाएगा, टाइप टू घटाएंगे तो टाइप वन बढ़ जाएगा, तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपको देखना पड़ता है कौन सी रिसर्च, कौन सी एरर मेरे में ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरनाक है मैं उसको घटा दूं, जो कम खतरनाक है उसको बढ़ा दूं, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा टाइप वन ज्यादा खतरनाक है टाइप टू ज्यादा खतरनाक है। इसी तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल में से आपको किसकी ज्यादा जरूरत है, वैलिडिटी कितने पर आपका बैलेंस चलेगा, ये फिर रिसर्चर डिसाइड करता है। ऐसे जब आप लेवल करते हैं 0.05 लेवल, 0.01 लेवल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसर्च क्या है वो आप डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंगली, यू डिटरमाइन योर लेवल। आप 0.01 पर जाएंगे, 0.05 पर जाएंगे या और नीचे जाएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर रिसर्च डिटरमाइन दीज थिंग्स। ओके, सो इससे अलग डिफरेंट डिबेट, बट दिस इज एक्चुअल सिचुएशन इन योर बिहेवियरल रिसर्च इंक्लूडिंग एजुकेशनल रिसर्च। ओके, ऐसे ही सैम्पलिंग में भी आपके पास होता है ऑप्शन, फिर बहुत सारी चीजों में आपको ये सब डिसाइड करना पड़ता है। इसी तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितनी कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, कंट्रोलिंग का तरीका एक मैंने बताया, रिमूविंग द वेरिएबल एक तरीका है, रैंडमाइजेशन दूसरा तरीका है। रैंडमाइजेशन जब मैं वर्ड कहता हूँ तो रैंडमाइजेशन हमारे यहाँ पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल रिसर्च, दैट इज अ वेरी मिसकंसेप्शन इन एजुकेशनल रिसर्च, दैट हम बहुत कॉमनली कहते हैं हमने सिंपल रैंडम सैंपल यूज किया, वेरी कॉमनली वी क्लेम सैंपल रैंडम सैंपलिंग, बट द फैक्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, बट वी आर यूजिंग पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। जबकि है मजेदार बात, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की अजम्पशंस को फुलफिल नहीं किया है तब आप पैरामीट्रिक यूज करें तो गलत रिजल्ट देती है, उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट नॉन पैरामीट्रिक देती है अगर आपने अजम्पशन फुलफिल नहीं किया तो पैरामीट्रिक, बट वी डोंट गो फॉर दैट। सो रैंडमाइजेशन, इफ वी कैन डू इट देन वी शुड यूज रैंडमाइजेशन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एज ए कंट्रोलिंग मेजर ऑफ वेरी, एंड रैंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एक्चुअली अ थ्री लेवल रैंडमाइजेशन, माइंड इट। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट की बात की तो जब मैंने कहा कि मैं चेक करना चाहता हूँ दिल्ली साउथ दिल्ली के बच्चों पर कॉपरेटिव लर्निंग मेथड और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का, यस इट डिपेंड्स ऑन आवर डिजाइन आल्सो, डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, रैंडमाइजेशन की डॉक्टर शर्मिला की, अगर मैंने कहा कि मैं दिल्ली के बच्चों पर करना चाहता हूँ, मैंने दो ग्रुप लिए, एक स्कूल में गया एक स्कूल में, दो ग्रुप लिए, तो अगर मैंने 60 स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया है तो द सिलेक्शन ऑफ दो 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम, जो हम नहीं करते कभी, हम स्कूल को रैंडमली सिलेक्ट बेशक कर ले, पहली बात हम वो भी नहीं कर पाते क्योंकि हमको कन्वीनियंट सैंपलिंग आना चाहिए जो स्कूल हमको अलाउ कर दे एक्सपेरिमेंट करने, हम वो भी नहीं कर पाते, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दैट वी कुड नॉट डू रैंडमाइजेशन, अदरवाइज इफ आई हैव टू रैंडमाइज फॉर कंट्रोलिंग दीज वेरिएबल्स हियर, पहला काम आप रैंडमली उन 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करिए, हो सकता है एक कटवारिया सराय का बच्चा आ जाए, एक साकेत का बच्चा आ जाए, एक हो सकता है हसखास का बच्चा आ जाए, आप उनको कहीं बैठाइए इकट्ठे एक जगह, एंड द सेकंड इज व्हेन यू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स देन अगेन यू रैंडमाइज रैंडमली डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, थर्ड थिंग इज व्हेन यू अलॉट टीचिंग मेथड टू दिस ग्रुप देन अलॉट रैंडमली, दीज थिंग्स क्रिएट थ्री लेवल रैंडमाइजेशन। सो रैंडमाइजेशन अनदर मेथड फॉर कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, मैचिंग केसेस इज अनदर मेथड, एनकोवा इज वन मोर मेथड फॉर कंट्रोलिंग दीज, विद दीज थिंग्स वी कंट्रोल आवर वेरिएबल्स and accordingly we treat our variables in our research. So concludingly here I say that today we discussed about what are the variables, what are different types of variables and how we should define them in our research and what is controlling of variables. I hope you could get something new from this session. If it is so, that it is worth it on my side. Something new with you guys, and now the session is open to the question answer session.
the format, Dr. Jitendra, you please tell me. Students are going to write their queries or they are going to ask. Thank you very much, sir, for elaborating variables in a so systematic manner. We are very much obliged. Thank you, sir.